गाइस मैं हूँ आलोक। आप देख रहे हो मेरा चैनल टैक्स आर्टिस्ट। ये वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ मैं कि आप ये जेल पेन का यूज़ कर सकते हो कैसा है। ये आपको बताएंगे ये वीडियो में कैसा यूज़ करते हैं, तो चलो बताते हैं। वाइट जेल पेन है और इसको वाइट पेपर पे, जैसे आप जिस पे ड्राइंग बनाते हो उस पे, ऐसे जैसे आप ड्राइंग बनाए वाइट पेपर पे वाइट यूज़ करोगे तो उतना नहीं दिखेगा। देखो कैसा दिख रहा है, देखो उतना नहीं दिख रहा है, देख रहे ना। सो गाइस इसको पहले मैं हल्का शेड दे देता हूँ जिसके ऊपर वाइट जेल पेन हम चलाएंगे, देखेंगे कैसा है। तो इतना मैं उसको शेड दे दिया हूँ, अभी इसे ब्लेंड करते ही उतना अच्छा ब्रश नहीं है तो वो इसे रगड़ के करना पड़ेगा। देख रहे हो गाइस काम नहीं कर रहा, इतना खराब ब्रश है। जो गरीबी देखी है ना हमने मीम्स, तो इसे कैसे भी करके ब्लेंड कर लियो मैंने। जितना हुआ गाइस मेरे से उतना मैंने ब्लेंड किया। तो अब इसके ऊपर वाइट जेल पेन यूज़ करके देखते हैं कैसा दिखता है। देखो ओके ओके, तो देखो गाइस इसके ऊपर हम जेल पेन यूज़ करके देखते हैं। देखो ये जैसे ये एरिया पे करते मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो, देख रहे हो, देखिए गाइस ये इसका यही प्रॉब्लम है। ये मतलब जहाँ हल्का शेडिंग रहता है वहाँ पे ये यूज़ नहीं हो पाता है जेल पेन, एकदम वाइटनर की तरह है काम, वाइटनर की तरह करता है। बस इसमें दबाना नहीं पड़ता, वाइटनर दबाना पड़ता था, ये ऐसे ही है। तो इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ जिसमें क्या है इसका बेनिफिट। अभी देखो मैं इसे इतना किया ओके, अब इसे हम डार्क करते हैं ओके। भाई साहब देख रहे हो कितना डार्क है, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो भाई इतना डार्क तो कर दिया बट देखो ये ब्लेंड भी नहीं होता गाइस इससे। मैं बहुत कम यूज करता हूँ गाइस ब्रश का, ब्लेंड भी नहीं होता, हाथ ही यूज करना पड़ेगा। देखो ये ब्लेंड हो गया है, अब इसके ऊपर वाइट जेल पेन आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखो देख रहे हो यूज हो रहा है, देख रहे हो कैसा दिख रहा है। तो इसका अच्छा है मतलब बेनिफिट है कि जहाँ पे डार्क डार्क रहता है चारकोल जैसे, आप चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो उससे, जहाँ पे डार्क रहेगा उस पर आप ये जेल पेन यूज करोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। मैं एक पोर्ट्रेट बनाया था उसमें मैंने पूरा जेल पेन ही यूज़ किया हूँ फेस पे, तो आपको मैं वो पोर्ट्रेट दिखाता हूँ गाइस ओके। तो गाइस मेरा ये पोर्ट्रेट जिसमें मैंने जेल पेन यूज़ किया था, जैसा कि आप देख सकते हो कितना भाई कितना औसम दिख रहा है यार इस पे, देख सकते हो कितना मैंने बहुत डिटेलिंग दिया था गाइस, बहुत टाइम लगा था इसमें। आप जैसा कि इस पे देख सकते हो ये एरिया है जो इसका बाल का एरिया, इसमें देखो मैंने जेल पेंट का डॉट 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 करके इसको से इधर रिफ्लेक्ट आ रहा था, तो इसको मैंने जेल पेन से दिया है जिससे कि देख सकते हो। और ये जो पानी है दिख रहा है आपको कितना भाई खतरनाक, इसमें मैंने पूरा डिटेलिंग दिया जेल पेन से, पानी पानी देख रहे हो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, देखने में भी ऑसम लग रहा था भाई। तो ये जेल पेन का भी अच्छा यूज़ है, ये जो आप नोज़ पे देख सकते हो, रुको ये नोज़ पे ये एरिया जो है ये, इसमें भी मैंने जेल पेन यूज़ किया है, इधर भी जेल पेन यूज़ किया। तो इसका जेल पेन का भी अच्छा बेनिफिट है, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, देखो इस पर भी जेल पेन और डॉट डॉट करके जेल पेन यूज़ किया था गाइस। अच्छा है इसका भी फ़ायदा जेल पेन का, इससे मैं और भी बनाएगा कि कुछ आपको मैंने तो 130 में तीन जेल पेन लिया था, 130 में तीन, ऐसे एक लोग है तो 90-80 का आता है, मैं तो ऑनलाइन पे 130 में तीन मंगाया था। अच्छा अच्छा इसका फ़ायदा भी जेल पेन का। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मुझे आपको बस बताना था आप जेल पेन का कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका क्या बेनिफिट है, क्या वो अच्छा है या नहीं है, सब मैंने आपको ये वीडियो में बताया। मैंने एक इससे पोर्ट्रेट भी बनाया, वो भी आपको दिखाया कितना औसम बना है। तो ये जो स्केच है गाइस इसमें मुझे टाइम भी लगा था, कुछ लगा था 13-14 घंटा। तो ये स्केच में इतना डिटेलिंग था गाइस क्या बोलने का,
तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करो गाइस, अपने फ्रेंड को बताओ, जो आपके आर्टिस्ट फ्रेंड हो उनको शेयर करो कि ये जेल पेन का क्या फ़ायदा है, आप तो देख ही लिए हो, दूसरे को भी शेयर करो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आपको दूसरा कौन सा टॉपिक पे वीडियो मांगता है वो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा वीडियो, और थोड़ा सपोर्ट करो गाइस। तो ये था आज के वीडियो में, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।